आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव रुस्तमपुर बडमार पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 12 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 1300 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती सुधीति संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान श्रीमती सुधीति सचिव अतर फहीम के द्वारा स्कूलों में सौंदर्यीकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी निर्माण कराया गया है। इनके कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्ष में किस तरह से गांव को सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के रुस्तमपुर बडमार ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि हैं। जी। 4 साल इनके कार्यकाल को, प्रधान के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं लगभग। क्या क्या विकास कार्य अब तक गांव में हुए हैं? गांव में लगभग 24 फरवरी लगाए गए हैं, विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं जी, और सीसी टाइल्स करवाए गए हैं। आधी सड़कें पक्की हो चुकी हैं जी, लगभग रास्ते पक्के हो चुके हैं, रास्ते सारे पक्के हो चुके हैं और बाकी कार्य प्रगति में चल रहा है। स्कूल में बाउंड्री कार्य कर ग्राम पंचायत हो गई, हो चुकी है। आवास मिले हैं यहाँ? आवास नहीं मिले क्योंकि सेक्स सूची 2011 की सुनने हैं जी, इस वजह से आवास नहीं मिल पाए, लाभार्थी वंचित है। स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या कायाकल्प के अंतर्गत अभी तो बाउंड्री कराई गई है और स्कूलों में सीसी टाइल्स कर रहे हैं और भवन प्रांगण जो है द्वारा उसके मरम्मत, रंग रोगन, वॉल पेंटिंग आदि कार्य कराया गया है। समर सेविल कार्य, टंकी, सारे कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य प्रगति पर हैं जी। मिड डे मील वगैरह के बारे में आप सब कुछ देखते हैं, मतलब ध्यान देते हैं, स्कूल में समय देते हैं? बिल्कुल देख रेख करते हैं और बच्चों को अच्छा खाना जी और भोजन उपलब्ध कराया जाता है, बाकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है बच्चों का जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में जैसे बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? यहाँ नहीं बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा गांव ग्राम पंचायत बाढ़ पीड़ित रही है पहले, पूर्व में रहने के कारण इसकी सरकारी भूमि जो है दूर है, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, इस वजह से जगह न होने के कारण कोई भी सरकारी भवन इस प्रकार का नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है एक, तो खेल का मैदान, अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? सरकारी अस्पताल तो वही जिला मुख्यालय है, लगभग 12-13 किलोमीटर दूर, इतना एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बराबर में है, पड़ोस में गांव पंचायत मिला हुआ है। अपने गांव को और सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? देखिए, अगर कहीं और आसपास के ग्राम पंचायत में खेल मैदान का विकास हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात है जी, क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए खेल पढ़ाई के साथ साथ जी। बिल्कुल, आपने कोशिश की कभी कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद मिले कि यहाँ पर जगह का कहीं कोई प्रबंध कराया जाए? या हमने चकबंदी कराने की कोशिश करी है अब तक, पर वो सफल नहीं हो पाई है। कई बार हमने जो है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिया है चकबंदी विभाग में, पर अब तक वो कुछ कार्रवाई इसको हो नहीं पाई है। सुना था लखनऊ बजट पहुंच गया है जी, और लखनऊ से अलावा की आगे कार्रवाई हमें पता नहीं चली। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार जैसा कार्य कर रही है, जो गरीबों के लिए योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ आपके गाँव में सभी लोगों को मिला? लगभग तो सभी लोगों को मिला है, जो जागरूक लोग हैं जो हमारे पास आते हैं हम उनकी करवाते हैं, जैसा भी हो पाता हमारे लिए। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? आवास की जरूरत लगभग 30-40 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास की जरूरत है जी। क्या कुछ रास्ते अभी भी बाकी हैं पक्के होने से आपके? हाँ, कुछ रास्ते बाकी हैं, लगभग 90% काम तो हो चुका है ग्राम पंचायत में जी। कितने मीटर सीसी से पूरा पक्का हो जाएगा? लगभग 200-300 मीटर बचा हुआ, बाकी तो हो चुका है। और बाकी मैंने कोशिश की है कि जिला पंचायत से भी एक दो काम लाया हूँ, शमशान घाट तक मैंने 300-400 मीटर खरंजे कराया है जिला पंचायत से जी। शमशान घाट यहाँ पर बना हुआ है? हाँ, शमशान घाट बना हुआ है जी। सांसद या विधायक कभी जीतने के बाद में आपके गाँव में आए हैं स्थिति देखने के लिए? ऐसा है, ये तो सब राजनीति बात है ना, सांसद वो है सपा पार्टी के हैं और गाँव जो है जाता है बीजेपी को वोट करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए उन्हें जो है बहुत आपत्ति रहती है यहाँ। बाकी हम तो चाहते हैं सारे भाई सांसद विधायक यहाँ रहेंगे तो मजबूती से कार्य हो पाएगा जी, सभी का सहयोग होना चाहिए। हम गए हैं उनके पास, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके गांव में कार्य करेंगे। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा इन 4 सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, ODA भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवास भी कुछ लोगों को यहाँ मिले हैं, कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में काफी सौंदर्यीकरण हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। इसके अलावा यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं देखने को मिली हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन,
खेल का मैदान या आंगनवाड़ी यह अस्पताल यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसका कारण है ग्राम समाज की भूमिका न होना, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन प्रधान का मानना है कि आसपास की ग्राम पंचायत में यदि खेल का मैदान सरकार की तरफ से इन्हें मिल जाता है, मदद मिलती है, तो काफ़ी मदद इन लोगों को यहाँ मिलेगी, जिसके लिए युवाओं को खेल के मैदान की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ कुछ परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन सुदर्शन। जी सर, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुमित त्यागी है। मैं जो है प्राथमिक विद्यालय रतन बड़मार में प्रधानाध्यापक हूँ। यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास हुआ? ये हमारे ग्राम प्रधान द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत ये पानी का समर्थन भी लगवाया गया है, बच्चों की हैंड वॉशिंग की सुविधा के लिए करा गया है, और ये टाइल्स लगवाई गई हैं बच्चों के लिए, और शौचालयों में टाइल्स और पानी का प्रबंध करा गया है, और रसोई घर का कार्य जो है प्रगति पर है। पूरा समय देते हैं प्रधान जी विद्यालय के लिए? हाँ जी, प्रधान जी जो है पूरा सहयोग दे रहे हैं हमारे स्कूल को अच्छा करने के लिए। उस वजह से हमारे स्कूल काफ़ी अच्छा हो गया है। बाउंड्री वाल भी कुछ पहले नीची थी, जो अब ऊंची करा दी गई है, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है स्कूल।